स्टार्ट। हेलो स्टूडेंट्स, आई एम जीडीएस सोनी, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियर्स करियर ग्रुप। मैं आज की इस वीडियो में बात कर रहा हूँ एचपीपीएससी एईएन जेईई के एग्जाम के बारे में। मेरे को पता है हिमाचल के स्टूडेंट इस टाइम में बहुत ज्यादा डीमोटिवेटेड हैं और आप वेट कर रहे हैं कि हमारी कब हमारी स्टेट में जो है वो वैकेंसीज रिलीज होंगी और कब हम अपना जो सपना है, जो हमारा ड्रीम है, अपनी स्टेट में एई और जेई बनने का पूरा करेंगे। सो ये सपना अभी दूर नहीं है। अभी ही रिसेंट नोटिफिकेशन के हिसाब से, लेटेस्ट जो न्यूज है उसके हिसाब से आपकी जो रिक्रूटमेंट जो प्रोसेस है वो अप्रैल 2024 में शुरू हो जाएंगी। सो आपके लिए जो एग्जाम्स हैं वो जुलाई और अगस्त में कंडक्ट करवा दिए जाएंगे। सो आपके पास बहुत ज्यादा लंबा समय नहीं बचा है, सिर्फ 5 से 6 महीने बचे हैं आपके अपनी स्टेट में एई और जेई बनने के। बट वो 5 से 6 महीने में वही स्टूडेंट्स एई और जेई बन पाएंगे जो इन 5-6 महीनों को प्रॉपर यूटिलाइज करेंगे, अपनी तैयारी करेंगे और फोकस करेंगे अपनी गोल की तरफ। बहुत सारे बच्चे मेरे को पता हमें से डीमोटिवेटेड है, अपनी डीमोटिवेशन को साइड पे करिएगा और आज से ही अपने पढ़ना जो है वो तैयारी शुरू कर दें। अगर अभी तक आपने तैयारी नहीं करी है और अभी तक सिर्फ नोटिफिकेशन की वेट कर रहे हैं तो उसके लिए आप इंजीनियर्स करियर ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। इंजीनियर्स करियर ग्रुप हिमाचल के एई एंड जेई के एग्जाम के लिए स्पेसिफिक कोचिंग देते हैं और हिमाचल में बहुत सारे स्टूडेंट्स ऑलरेडी जो एई की पोस्ट में, जेई की पोस्ट में, आईपीएस डिपार्टमेंट, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट में, एचपीएसबीएल में बहुत सारे हमारे स्टूडेंट जो है वो ऑलरेडी एई और जेई वर्क कर रहे हैं। सो अगर आप भी हिमाचल में एई और जेई का एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 5 फरवरी से नए एग्जाम, नए जो बैचेस हैं वो शुरू करे जा रहे हैं, उन बैचेस को ज्वाइन करिएगा। ऑनलाइन एंड क्लासरूम मोड दोनों में जो है वो आपको तैयारी करवाई जाएगी। अगर आप वर्किंग स्टूडेंट हैं तो आपके अर्ली मॉर्निंग लेट इवनिंग बैचेस अवेलेबल हैं। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हिमाचल में 2 साल के बाद आपके लिए आएगी और मेरे को लगता नहीं कि आपको कोई भी चांस लेना चाहिए और स्टिल अभी तक जो है नोटिफिकेशन का वेट करना चाहिए। देखो अगर कल आपको सिलेक्ट होना है तो पढ़ना आज ही पड़ेगा। जो बच्चा कल सिलेक्ट होना चाहता है तो अगर वो कल ही पढ़ना शुरू करेगा तो उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। अगर कल पढ़ना शुरू करोगे तो सिलेक्शन परसों होगा। सो अगर आप परसों तक वेट कर सकते हैं तो आप घर पे फ्री बैठिएगा और जो है अपना टाइम वेस्ट करिए। अगर आप कल सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आज ही अपनी प्रिपरेशन जो है वो शुरू करें सो दैट आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो सके। फर्दर कोर्सेज की जानकारी के लिए, जिसमें हिमाचल के एई एंड जेई के स्पेशल जो कोर्सेज एचपीपीएससी एई के नए एग्जाम पैटर्न के हिसाब से जो डिस्क्रिप्टिव है और एचपीपीएससी जेई का जो ऑब्जेक्टिव एग्जाम पैटर्न है उसके हिसाब से अगर तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे हेल्पलाइन नंबर 1800120172 पे जाके पूरी जानकारी ले सकते हैं। फर्दर इस हिमाचल के एग्जाम से रिलेटेड अपडेट लेने के लिए इस चैनल पे जुड़े रहिएगा, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें सो दैट आपके साथ साथ आपके फ्रेंड्स भी जो है हिमाचल के एग्जाम्स के लिए जो है वो अवेयर हो जाए और वो भी पढ़ना अपना स्टार्ट कर दें। सो इस चैनल पे बने रहिएगा, नई वीडियो नई जानकारी के साथ जल्द मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।